शो दोस्तों, आज है फ्राइडे और आज है आपके लिए फ्राइडे ब्लॉकबस्टर न्यूज। जैसे दोस्तों हमारे सामने पहला न्यूज निकल के आते हैं बीएसएनएल 4G की तरफ से। हाँ दोस्तों, बीएसएनएल 4G 4G को लॉन्च करने के लिए फिलहाल मार्च होने चला है वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो के साथ। नेक्स्ट न्यूज निकल के आते हैं हमारे सामने जियो की तरफ से, जिधर दोस्तों जियो इस आईपीएल 2020 को देखने के लिए एक नया प्लान हमारे सामने लॉन्च कर दिया है। लेकिन दोस्तों जियो का स्पीड कैसा मिलेगा ये मेरे को मत पूछिएगा। तो क्या कुछ खबर आज निकल के आए हैं, आपको एक साथ सब कुछ जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हटके जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला न्यूज निकल के आते हैं बीएसएनएल 4G की तरफ से। हाँ दोस्तों, बीएसएनएल का सीईओ ने वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल साथ एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग किया, जिधर दोस्तों बीएसएनएल ने अनाउंस किया कि बीएसएनएल का बहुत सारा दिक्कत के कारण बीएसएनएल पूरा इंडिया में 4G लॉन्च नहीं कर पा रहे है। तो इसी के लिए दोस्तों बीएसएनएल अभी सोच रहे है कि वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल के साथ मिलकर वो काम करेगा और बीएसएनएल को लॉन्च करेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल एक ही मीटिंग हुआ और दोस्तों आखिर में क्या कुछ न्यूज निकल के आएगा और बीएसएनएल किसके साथ मार्ज होके उसका 4G लॉन्च करेगा ये तो देखना ही पड़ेगा। उम्मीद है बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ के काम करेगा, ये भी हो सकता है एयरटेल के साथ जुड़ के काम करेगा, लेकिन जियो के साथ जुड़ के बिल्कुल नहीं काम करेगा। लेकिन बीएसएनएल ने खुद मीटिंग में कहा कि जियो का 4G स्पीड बिल्कुल घटिया है। और नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आते हैं दोस्तों प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड के तरफ से। हाँ दोस्तों, आप अभी एक प्रीपेड का कस्टमर है और आप चाहते हो कि आप पोस्टपेड में जाओ तो दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना नहीं पड़ेगा। आप सीधा एक ओटीपी के जरिए अपना प्रीपेड से पोस्टपेड जा सकते हो, वो वोडाफोन टू वोडाफोन हो, मतलब वोडाफोन प्रीपेड टू वोडाफोन पोस्टपेड हो, एयरटेल प्रीपेड टू एयरटेल पोस्टपेड हो, जो भी हो, आप एक ओटीपी के जरिए ही सीधा प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड आ सकते हो, जा सकते हो। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आते हैं दोस्तों जियो के तरफ से। हाँ दोस्तों, जियो इस आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बढ़िया प्लान हमारे सामने लॉन्च कर दिया है, जिधर दोस्तों ये जियो का एक प्लान था, पहले भी प्लान था, लेकिन दोस्तों जियो इस प्लान को एक घुमा फिरा के नाम दे दिया जियो आईपीएल प्लान। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया में आईपीएल होने वाला है, इंडिया के साथ आईपीएल होने वाला है 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक आईपीएल का सीजन चलेगा। और उसी सीजन में जियो आईपीएल ऑफर के तहत एक रिचार्ज प्लान हमारे सामने निकल के ले आया, जिसका प्राइस है 499 का, जिधर आपको मिलेगा 1.5 GB करके डेली हाई स्पीड डेटा, कोई भी वॉइस कॉल इधर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी SMS भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके साथ आपको मिल जाएगा वैलिडिटी 56 डेज के लिए। लेकिन दोस्तों जियो का स्पीड कितना मिलेगा यह मेरे को बिल्कुल नहीं पूछिएगा। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आता है दोस्तों रियलमी की तरफ से। हाँ दोस्तों, आप सब एक रियलमी लवर हो कि ना हो मेरे को तो यह बिल्कुल नहीं पता, लेकिन दोस्तों आप कोई भी रियलमी का लवर हो, आप चाहते हो कि रियलमी का नया जो फोन आए वो आप ले पाओ, तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, जिधर दोस्तों रियलमी ने आज ट्वीट करके हमारे सामने बोल दिया कि रियलमी का 7, रियलमी 7 एंड रियलमी 7 प्रो लॉन्च होने ही वाला है 3 सितंबर 2020 को 12:30 ऑन फ्लिपकार्ट में। हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट में 12:30 3 सितंबर लॉन्च हो जाएगा रियलमी 7 एंड रियलमी 7 प्रो, जिधर दोस्तों आपको मिल जाएगा 3 मिनट्स में फुल चार्जिंग फैसिलिटी। हाँ दोस्तों, 3 मिनट्स में फोन चार्ज हो जाएगा फुल। और उसी के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा 65 वाट का सुपर डर्ट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, और प्राइस रहेगा 50,000 से 60,000 के अंदर ही। और दोस्तों इसका जो वेरिएंट निकल के आया वो है 6GB 128GB का। इधर दोस्तों आप बता दीजिए, क्या आप एक रियलमी लवर हो और क्या आप वेट कर रहे हो कि रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो खरीदने के लिए? दिल का बात कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों,
जय हिंद एंड वंदे मातरम।